बीच बड़ी खबर यह कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती है और अब तक खबर यह कि सोनिया गांधी राजस्थान से उम्मीदवार हो सकती है, राजस्थान से वो राज्यसभा जाएंगी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी की सिफारिश, कांग्रेस की हुई बड़ी जीत, सोनिया गांधी ने ले लिया बड़ा शपथ। बता दें कि सोनिया गांधी यदि गांधी परिवार की राज्यसभा सीट के लिए राजी हो जाती है तो यह 77 वर्षीय नेता के लिए उच्च सदन में पहला कार्यक्रम होगा, जो 5 बार लोकसभा सदस्य रह चुकी है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हैं तो यह उनका पहला चुनाव होगा। सोनिया गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि यह आखिरी बार है जब वह आम चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं। इस बीच राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने अलकमान ने राजस्थान से सोनिया गांधी की उम्मीदवार की घोषणा करने का आग्रह किया है। गांधी पार्टी की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य मुकुल वासनिस्का ने यह भी कहा कि वासनिक और सलमान खुर्शीद और कोषाध्यक्ष अजय मकानकर सहित कांग्रेस नेताओं ने 27 फरवरी को आगामी चुनाव का पूरी तरीके से पार्टी के लिए उम्मीदवार का नाम पर चर्चा की है। इस पर प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसको लेकर के यहाँ पे यह तय हुआ कि अब की बार सोनिया गांधी के आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए संभावना है, जिसमें वह अपनी लोकसभा सीट बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप देंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।